अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है उस्मान और आप देख रही हैं ग्रेट पाकिस्तान चैनल। तो दोस्तों, अल्लाह ताला की रहमत से आखिरकार, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बहुत जल्द सियालकोट खाड़िया मोटरवे का जो संगे बुनियाद है वो रख दिया जाएगा, और इसे मैंने आपको बताया था कि इसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जानिब से अप्रूव भी कर दिया गया है। तो दोस्तों, आज वाले दिन वज़ीरे आज़म की जानिब से सियालकोट खाड़िया मोटरवे का इफ्तिताह कर दिया जाएगा और इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो जाएगी। दोस्तों, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी से मुराद यहाँ ये है कि इस पर काम का आगाज़ होने जा रहा है, ठीक है ना। तो ये 27.8 अरब रुपये का प्रोजेक्ट है और सियालकोट, जैसा कि आप जानते हैं कि स्पोर्ट्स स्कूल, लेदर गारमेंट और इसी तरह जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होती हैं, इसकी एक्सपोर्ट अंदर पूरी दुनिया में मशहूर है। तो इसी की एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ करने के लिए पहले सियाल को लाहौर मोटरवे का आप कहने की संगे बुनियाद रखा गया था और वो मुकम्मल की गई थी। और अब दोस्तों, ये मोटरवे सियालकोट से खाड़ियाँ तक बनेगी और आगे चलकर दोस्तों ये रावलपिंडी तक जाएगी। अब दोस्तों, यहाँ मैं कुछ मालूमात मजीद आपसे इसकी शेयर कर देता हूँ कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ये बनाई जाएगी और इसे 27 अगस्त 2021 को अप्रूव किया गया था। और अभी कुछ दिन पहले वो वीडियो मैंने आपसे शेयर की थी सियालकोट की मोटरवे के बारे में। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूं कि इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा ये सम्बरियाल सिटी होगा, जहाँ दोस्तों लाहौर सियालकोट मोटरवे का एंड होता है, यानी वहीं से कहा जा सकता है कि सियालकोट और खाड़ियाँ की मोटरवे का आगाज़ होगा। इसी तरह दोस्तों, अगर तो देखा जाए तो इसमें जन शरीफ और इसके बाद गुजरात, जलालपुर, जट्टा, लाला मूसा और दौलत नगर, ये वो तमाम क्रॉसिंग पॉइंट होंगे जो कि दरमियान में आएंगे। तो यानी आप कह सकते हैं कि ये सिर्फ सियालकोट खाड़ियाँ की मोटरवे नहीं होगी, बल्कि ये सियालकोट गुजरात की मोटरवे भी होगी और फ्यूचर के अंदर ये आगे चलकर इस्लामाबाद और सियालकोट की मोटरवे भी होगी, क्योंकि जब ये रावलपिंडी के साथ कनेक्ट होगी तो सियालकोट तक इसका रास्ता क्लियर हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों, इसकी लेंथ की अगर बात की जाए तो अभी सियालकोट से खाड़ियाँ तक ये 69 किलोमीटर की मोटरवे होगी। इसमें 5 इंटरचेंजेस बनाए जाएंगे, इसी तरह एक सर्विस एरिया बनाया जाएगा और 2 टोल प्लाजा बनाए जाएंगे जो कि इस प्रोजेक्ट का हिस्सा होंगे। इसी तरह दोस्तों, ये मोटरवे 4 लेन होगी और 2 सालों में इसे कंप्लीट किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये अपनी काइंड का, अपनी किस्म का एक वाहद प्रोजेक्ट पाकिस्तान के अंदर होगा और पहला प्रोजेक्ट होगा जिसे वायबिलिटी गैप फंड के जरिए मुकम्मल किया जाएगा, जिसमें दोस्तों मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट भी तआवुन करेगा इन तमाम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कंपनीज के साथ, ताकि इस प्रोजेक्ट को फाइनेंशियली मुकम्मल किया जा सके। क्योंकि दोस्तों, इसके इकोनॉमिक फवायद तो बहुत होंगे, क्योंकि सियालकोट और रावलपिंडी तक आप कह सकते हैं कि मोटरवे के जरिए कनेक्शन बन जाएगा। दरमियान में दोस्तों, इसके गुजरात भी आ जाएगा जो कि एक बड़ा सिटी बनता है, जैसा कि आप जानते ही हैं। और इसी तरह दोस्तों, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसमें तआवुन करेगी, ये 10.94 अरब रुपये की वायबिलिटी गैप फंडिंग होगी। मजीद दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूँ कि जो PPP एग्रीमेंट साइन किया गया है इस पर, इसकी एग्जीक्यूशन के अंदर नेशनल हाईवे अथॉरिटी, इसी तरह एक कंसॉर्टियम बनाई गई है जो कि फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन और सुल्तान महमूद कोऑपरेशन के दरमियान बनाई गई है, यानी ये कंपनी ओवरऑल इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके देंगी। तो दोस्तों, ये मालूमात मैंने आपसे शेयर की तो आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना है, साथ में जो बैल के आइकान पर क्लिक कर देना है। अब तक के लिए इतना ही था, अल्लाह हाफिज़।